स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स मेरे चैनल अंतरिक्ष में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स, मैं आप सबके लिए हिस्ट्री के थ्योरी नोट्स लेकर आती हूँ, जिसमें हमने पंजाब टेट की प्रेपरेशन स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने पंजाब हिस्ट्री के टॉपिक क्लियर कर रहे हैं और उसी के रिगार्डिंग हमने सिखों के गुरुओं का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने 8 गुरुओं के बारे में अच्छे से डिटेल में कर लिया और जितने भी उनसे रिलेटेड सारे एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं वो हमने सारे पॉइंट टू पॉइंट रेडी किए। तो उन्हीं से उसी चैप्टर से उसी टॉपिक से रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है, जो सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी से रिलेटेड, जिनके बारे में हम डिटेल में करेंगे जितने भी उनके रिलेटेड क्वेश्चंस जो रहते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो सारे के सारे हम आज वन बाय वन करके डिटेल में करेंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, स्किप करके मत देखिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या रहता है, गुरु तेग बहादुर जी के बारे में, जो कि सिखों के 9वें गुरु थे। इनकी टाइमलाइन क्या थी, 1621 टू 1675 तक, ठीक है। और गुरु जी का जन्म कब हुआ, 1 अप्रैल 1621 को कहाँ, अमृतसर में हुआ। इनके पेरेंट्स कौन कौन थे, इनके माता का नाम था बीबी नानकी जी और इनके पिता थे गुरु हरगोबिंद जी, ठीक है। तो ये समटाइम एग्ज़ाम में पेरेंट्स से रिलेटेड या फिर बर्थ या बर्थ प्लेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको ध्यान से देखना। नेक्स्ट है इनकी मैरिज, इनकी शादी गुजरी, यानी कि जो लाहौरी के लाल चंद के कौन थे पुत्री थी, उनसे माता गुजरी जी के साथ हुई। और इनकी एजुकेशन की अगर बात करें, इनकी शिक्षा की, तो गुरु तेग बहादुर जी ने बाबा बुड्ढा जी से या और भाई गुरदास जी से इन्होंने पंजाबी ब्रिज लैंग्वेज और संस्कृत घुड़सवारी शास्त्र विद्या, ये सारी विद्याएं इन्होंने प्राप्त की, ठीक है। और स्टूडेंट्स इनके जो बच्चे थे गोविंद राय, यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी, जो सिखों के 10वें गुरु हुए थे, वो इन्हीं के पुत्र थे। आगे है गुरुजी ने गुरुगद्दी कब संभाली, गुरु तेग बहादुर जी ने 1664 यानी 1664 से लेकर 1675 तक गुरुगद्दी पर रहे। इन्हें बाबा बकाला भी बोला जाता है। समटाइम एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबा बकाला किस गुरु साहिब को बोला जाता है, तो वो गुरु तेग बहादुर जी को बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है इन्होंने कौन सा नगर बसाया, तो इन्होंने चक नानकी यानी कि आनंदपुर साहिब जो नगर था वो गुरु तेग बहादुर जी ने ही बसाया, ठीक है। आगे है गुरु जी के समकालीन कौन थे, उस टाइम पे समकालीन बादशाह कौन था, तो वो औरंगजेब था। एंड एक है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में आ भी चुका है कि हिंद की चादर उपाधि किसको दी गई, तो वो गुरु तेग बहादुर जी को ही हिंदी की चादर भी बोला जाता था, ठीक है, इनको उपाधि दी जाए। इसके बाद इनकी शहादत की बात करें, तो बादशाह औरंगजेब के आदेश पर समाना के जलालुद्दीन ने कुहाड़े से दिल्ली में शीश काटा था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इनकी शहादत वहाँ पर औरंगजेब के आदेश पर, वहाँ के समाना का जो जलालुद्दीन था उसने गुरु जी का कुहाड़े से दिल्ली में शीश काटा था, और जहाँ पर ये घटना हुई उसी जगह पर सरदार बंगेल सिंह ने शीश गंज गुरुद्वारा भी बनाया, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आता है कि शीश गंज गुरुद्वारा किस गुरु साहिब से संबंधित है, तो वो गुरु तेग बहादुर जी से ही संबंधित है, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा जब गुरुजी की शहादत हुई तो उनका अंतिम संस्कार किस तरीके से हुआ, गुरुजी के शरीर का जो संस्कार था वो लक्खी शाह लुबाना ने अपनी झोंपड़ी में किया था, ठीक है। इसके अलावा जहाँ पर गुरुजी के शरीर का संस्कार किया गया लक्खी शाह लुबाना की झोंपड़ी में, वहाँ पर आज रकाबगंज गुरुद्वारा है, ठीक है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है कि रकाबगंज गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर जी से किस तरह से संबंधित है, क्योंकि वहाँ पर उनके शरीर का संस्कार किया गया था। इसके अलावा जो गुरु जी के सिर को भाई जैता जी
आनंदपुर ले आए और वहाँ गुरु गोविंद सिंह द्वारा संस्कार किया। ठीक, यानी कि वहाँ पर भाई सेता जी जब आनंदपुर ले आए और वहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा संस्कार किया गया और इस टाइम पे वहाँ पर शीशगंज गुरुद्वारा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे है गुरु जी के आगे उत्तराधिकारी कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जी यानी कि जो गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र थे गुरु गोविंद सिंह जी, वही इसके बाद उत्तराधिकारी बने। और स्टूडेंट से गुरु गोविंद सिंह जी ही सिखों के दसवें और अंतिम गुरु थे। ठीक है, जिन्हें दशम पिता भी बोला जाता है, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल में करेंगे। इसके बाद ज्योति जोत समाना यानी कि गुरु तेग बहादुर जी ज्योति जोत कब समाए, 1675 ईस्वी में समटाइम इनके ज्योति जोत समाने की ये डेट भी पूछी जाती है। तो ये दिट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, कहाँ पर, चांदनी चौक, वो कहाँ पर पड़ता है, दिल्ली में पड़ता है। तो ये इसमें इस लाइन में तीन क्वेश्चंस निकलते हैं, तो इन सबको अच्छे से डिटेल में करना। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, क्योंकि मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आप सबके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, क्या करते हैं हम कभी कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, जब एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो बहुत ही डीपली पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में डीपली पढ़ने के चक्कर में स्टूडेंट्स कई बार जो मेन टॉपिक्स होते हैं, मेन कंसेप्ट होते हैं, वो क्लियर ही नहीं कर पाते। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आप सबके सामने मैं डिटेल में लेकर आऊँ। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए और एटलीस्ट लाइक ज़रूर करिए, और अगर किसी को कोई भी इशू आता तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।